अनायस ने फिर से सभी शिक्षकों के लिए और एक बार मौका देने जा रही है। किस टाइप का मौका है, किस टाइप का अपॉर्चुनिटी है, यदि आप नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ खास और कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आप सभी को फिर से जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप सभी के जो चंद्रभूषण जी जो है एनएस से जो डीएलएड कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो कि दोबारा मौका मिल रहे हैं। तो चलिए उसके ओर बढ़ते हैं और आपको पूरा का पूरा मामला समझाते हैं कि क्या है पूरा खबर, इस चीज़ को जानते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या डिटेल्स है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी जो है टीचर्स जितने भी लोग हैं वो सभी जो है अपना अपना डीएलएड का कोर्स को कम्प्लीट कर रहे हैं। तो डीएलएड को कोर्स को कम्प्लीट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो है लोगों ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन को छोड़ दिए थे। तो उन सारे एग्जामिनेशन को किस प्रकार से दोबारा आप फिल कर सकते हैं, किस प्रकार से दोबारा दे सकते हैं, इन्हीं को लेकर एक जो है बहुत ही एक बड़ी खबर आई है। तो चलिए उस बड़ी खबर की ओर समझते हैं और जानते हैं और बताते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह जो है अमर उजाला की ओर से यह जो है न्यूज़ है, अमर उजाला की तरफ से यह जो है न्यूज़ प्रकाशित किए गए हैं, इसी की ओर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे डीएलएड बीएलएड परीक्षा कार्यक्रम घोषित पहले सत्र में 1 लाख से अधिक शिक्षक नहीं दे पाए थे। यानी कि यहाँ पर कहे जा रहे हैं जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुए थे, यानी कि यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुए तो बहुत सारे जो है लोग जो है नहीं दे पाए थे एग्जामिनेशन, उन सभी को दोबारा जो है एनआईएस के तरफ से फिर से जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जो कि आप भी अगर उसमें सम्मिलित है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने जो है अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है छोड़ दिए थे, और जिन्होंने अपना जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए थे वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे पता चले कि कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिए, कितने लोगों ने नहीं दी। इस न्यूज़ के माध्यम से यही पता लग रहे हैं कि 1 लाख जो कैंडिडेट है जो कि अभी भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे फर्स्ट सेमेस्टर का, उन सभी के लिए यह बहुत ही एक बड़ी खबर है कि वह सभी जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है दोनों साथ साथ जो है दे सकते हैं। तो आइए इसमें जानते हैं पूरा का पूरा मामला और आपको बताते हैं। लिखे हुए साफ साफ के एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा आयोजित शिक्षक पत्रात परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 25 सितंबर से डीएलएड और बीएलएड परीक्षा शुरू हो जाएगी, यानी 25 सितंबर को बताया जा रहा है कि आप सभी का जो परीक्षा है 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये लिखे हैं कि पहले सत्र में 1 लाख से अधिक शिक्षक जो है परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिन्हें देने का दोबारा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए डीएलएड या बीएलएड शैक्षणिक योग्यता अनुसार कोर्स करना अनिवार्य कर दिया था। यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है, आपको डीएलएड या बीएलएड करना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि शिक्षकों को पूरा कोर्स करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कोर्स के लिए आवेदन किया, हालांकि कई शिक्षक समय रहते आवेदन नहीं कर सके थे। यानी कि अभी भी देखे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के हिसाब से आप सभी को 31 मार्च 2019 तक एट एनी कॉस्ट जो है आप सभी को कम्प्लीट करना जरूरी है। लेकिन जब एनआईएस ने फॉर्म निकाले थे उस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो है वंचित हो गए थे, तो वे सभी जो है दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके लिए कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिए गए। इसके साथ साथ यह भी लिखें कि शिक्षक पत्रात परीक्षा के पहले सत्र की एक बार परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट सितंबर अंत तक आने की संभावना। ठीक है, आप सभी का जो है रिजल्ट जो यहाँ पर जैसे कि रिजल्ट कहे जा रहे हैं कि जिसका जो रिजल्ट है सितंबर के अंत तक आने की संभावना, लेकिन जो एनआईएस के जो चंद्रभूषण शर्मा जी ने थे यहाँ पर जो है डीएलएड के पहले और दूसरे सत्र के कार्यक्रम भी घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि आप सभी का जो परीक्षा है 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में जो है चलेगी। इस कोर्स को करने वाले में करीब 75% महिलाएँ, ठीक है, इस कोर्स को करने वाले बताए जा रहे हैं कि 75% जो है महिलाएँ हैं इसमें। इसके साथ साथ यह भी लिखे कि पहले सत्र में जो परीक्षाएं संपन्न हुई थी उसके विषय में कई एप्लीकेशन मिली है कि जिसमें उन्होंने किसी कारण से परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ जताई थी, दोबारा मौका दिया जाएगा। शिक्षकों के पास कुल 3 बार परीक्षा शामिल होने का मौका होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अगर फेल हो जाते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में दे जाते, अगर सेकेंड में भी फेल हो जाते तो थर्ड में दीजिए, और थर्ड में भी फेल हो जाते तो फोर्थ में दीजिए। यानी कि आपके पास 3 बार मौका है जो कि 31 मार्च 2019 तक किसी भी हालत में कंप्लीट करने। इसीलिए बैक पेपर
बैक पेपर ना लगाएं और एग्जामिनेशन को ना छोड़े और इसको कंटिन्यू रखें ताकि जो है 31 मार्च 2019 तक सभी का कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ यह भी लिखें 75% उपस्थिति अनिवार्य। डीएलएड बीएलएड परीक्षा में शामिल होने के लिए कोर्स के दौरान 75% उपस्थिति अनिवार्य है। प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि कई शिक्षकों को क्लास करने में परेशानी आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए नए मॉडल सेंटर की व्यवस्था भी की गई। इन मॉडल सेंटर पर कभी भी जाकर शिक्षक अपना कोर्स और उपस्थिति पूरी कर सकते हैं कि कोर्स पूरा करने और परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षकों को कई मौके दिए गए, लेकिन उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर यहाँ पर यह भी लिखें, नकल करने वाले शिक्षकों की पत्रात पर असमंजस। डीएलएड बीएलएड के पूर्व में हुए परीक्षाओं के द्वारा कई लोग नकल करते हुए पकड़े गए। परीक्षा में नकल करने वाले पर एनआईएस ने 1 साल का बैन लगा दिया है। वहीं सरकार द्वारा कोर्स पूरा करने के लिए शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया। ऐसे में इन शिक्षकों का क्या होगा, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यदि सरकार द्वारा समय सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई तो नकल में पकड़े गए शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन हो रहे थे तो बहुत सारे जो है लोग जो है नकल करते हुए पकड़ेंगे, जिसके लिए उन सभी को 1 साल के लिए रेस्टिगेट किए गए थे कि आप सभी जो 1 साल तक जो है आप डीएलएड से बाहर रहेंगे, वे सभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर कहे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के हिसाब से 31 मार्च 2019 तक जो है करने के लिए जो है बोल दिए कि आप सभी जो 31 मार्च 2019 तक एट एनी कॉस्ट जो है आप सभी को कोर्स को कंप्लीट करने। जो लोग नकल करते हुए पकड़ाए गए थे जो शिक्षक, क्या यह बात सही है कि गलत, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि इन सभी को 1 साल के रेस्टिगेट करना क्या सही हुआ या नहीं हुआ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इन सभी लोगों को दोबारा सम्मिलित कर लेना चाहिए, एक बार माफ करके इन सभी को सम्मिलित कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइए। क्योंकि हर किसी का जो है परिवार है, हर किसी का फैमिली है, तो उन सभी को देखते हुए आप इन सभी शिक्षकों के विषय में आपका क्या विषय है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपना कमेंट अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर दबा दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।